बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, याद आया क्या दोस्तों? ये देखो यार, ये आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, मैं श्योरली कह सकता हूँ भाई, हम लोग देखे हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का तलवार का यूज किया जाता है मूवी में, जो कि ऐसा प्लाई का है। ये देख सकते हो, ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, ये प्लाई का बना हुआ है। यानी ये है अशोका विलेज, अशोका गांव, जो कि सीरियल में जो अशोका गांव दिखाया जाता है ना, ये वो पूरा एरिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल गांव के अंदर पूरा जो है ना, हर सारा चीज बना के रखे हुए। ये सारा घर दिखाया जाता है और ये एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर आप देख सकते हो बैलगाड़ी रखा हुआ है, खटिया रखा हुआ है, ये सारा टोपा टोकरी पोलो जो भी हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में ना, ये सारा चीज रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है। प्रचंड अशोका, प्रचंड अशोका। तो आपका किरदार उसमें क्या है? एज अ मंत्री का है। अच्छा, मंत्री के रोल में बताया गया है उसमें। अच्छा, सो अभी जो है ना ये जा रहे हैं शूटिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला। तो देख सकते हो यहाँ पर भी ऐसा हाथी वगैरह बना के रखे हुए हैं, देखो कितना बड़ा बड़ा हाथी है, लेकिन इसका पेट पूरा छेद है भाई, होल है पेट में, ये देखो। अभी मैं हूँ हाथी के पेट के अंदर, ये देखो। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम लोग आए थे यहाँ पर अशोका सेट में, अशोका का शूटिंग देखने के लिए। सो अभी हम लोगों को यहाँ खाना भी खिला रहे, देख सकते हो। मैं खाने में क्या है वो चीज आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो खाने में सबसे पहला आलू और ये भिंडी का सब्जी है, पापड़ है, रोटी है, चावल है, चिकन है, दाल है और ये सलाद है। सो दोस्तों फाइनली देख सकते हो मैं आ गया हूँ करजत का एनडी फिल्म स्टूडियो। यहाँ पर आने से पहले स्टार्टिंग में आपको ये सारा चीज दिखने वाला है, यानी बॉक्स ऑफिस में जितनी भी सारी फिल्म्स हिट हुई है ना, उन सभी का पोस्टर लगा हुआ है। वहाँ देखो रईस का है, यहाँ देखो वो तारे जमीन पर वो देखो, और ये क्या नाम है अमिताभ बच्चन का कोई है, अब वो है इसका शाहरुख खान का, किसका किसका है। सो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो, ये स्टार्टिंग वाला लोकेशन है, यहाँ से मेन एंट्री लेके यहीं से आपको टिकट मिलेगा 500 रुपये का, 300 रुपये का, यानी एडल्ट्स के लिए 500, ऐसे नॉर्मल के लिए चाइल्ड के लिए 300। यहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं, अंदर का पूरा नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। सो भाई लोग अभी ना हम लोग जा रहे हैं प्रेम रतन धन पायो के सेट पे, जहाँ पर प्रेम रतन धन पायो का शूट हुआ था पूरा का पूरा। उसका जो शीश महल है ना प्रेम रतन धन पायो का, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल के लिए देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा हाथी यहाँ बना के रखे हुए हैं, इसको जो है ना ऐसा इसको भी मूवीज में यूज करने के लिए सारा है। तो हो सकता है कि इसको ऐसे ही दिखाते हैं, उसके बाद VFX के जरिए से इसको जिंदा कर देते हैं, इसको चला देते हैं। एडिटिंग में सारा चीज डिपेंड करता है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये देखो प्रेम रतन धन पायो का ये जो मेन गेट है ना, ये वही वाला है जो आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि भाई हाँ सच में वही है। ये देखो प्रेम रतन धन पायो का ये मेन गेट, यहाँ बॉलीवुड का थीम पार्क आप देख सकते हो। सो भाई यहाँ देखो ऐसा पूरा मैप बना के रखे हुए हैं, कौन से एरिया में कौन चीज है, ये सारा चीज आप देख सकते हो। ये सारे लेजेंड पता नहीं क्या है, लेजेंड VIP एंट्री, कॉमनर एंट्री, टेंटेस्ट पता नहीं क्या है। ये सारे लोग अगर कुछ एंट्री करते होंगे तो सारा कलर कोडिंग होगा कि भाई हाँ ये VIP है, ये है, ऐसा ऐसा करके। सो भाई अभी आप देख सकते हो सामने में प्रेम रतन धन पायो का जो सेट था, प्रेम रतन धन पायो जहाँ शूट हुआ था वो वाला लोकेशन। सो अब इस तरफ भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ऐसा हाथी वगैरह बना के रखे हुए हैं, देखो कितना बड़ा बड़ा हाथी है, लेकिन इसका पेट पूरा छेद है भाई, होल है पेट में, ये देखो। ओह भाई साहब ये पूरा होल है, देखो पेट के अंदर मैं घुस जा रहा हूँ, अभी मैं हूँ हाथी के पेट के अंदर, ये देखो किस तरह से बना के रखे हुए, वो सारा चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ, इसका सारा चीज एक्यूरेट आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन सा जो सीन है वो किस जगह में शूट हुआ था, वो चीज दिखाने वाला हूँ। भाई साहब वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भाई साहब आपको लास्ट तक बने रहना है। ये सारा का सारा चीज प्लाई का, आप जो भी कुछ देख रहे हो ना सब चीज प्लाई से बना हुआ है, ओरिजिनल बिल्कुल नहीं है। इसको पत्थर समझने की भूल मत करना कि भाई इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। अभी नीचे से पूरा खा लिया भाई, बहुत पुराना हो गया ना, इसका डेंटिंग पेंटिंग भी अभी नहीं हुआ, देखो प्लाई लगा दिए उसके ऊपर से ऐसा पुट्टी लगा के रखते हैं, ये देखो ये पुट्टी है और भाई बहुत ज़्यादा हेवी है यार। यहाँ से लॉक है, जब इसका काम चल रहा था तभी इसका यूज़ था, अदरवाइज़ अभी ये लॉक है, ऊपर नहीं जा सकते आप, नीचे का एरिया घूम सकते हैं, सारा चीज़ देख सकते हैं। सो ऊपर तो नहीं जा सकते, ऊपर जाना भी नहीं है भाई, ऐसे ही डर लगता है भाई प्लाई वगैरह का है। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे में देखते हैं वहाँ पर कौन कौन चीज़ का जो सामान है, कैसा रखा हुआ है, कैसा शूट हुआ था, वो सारा चीज़ दिखाते हैं आपको। सो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये तो रियल है ना नीचे वाला, ये नीचे वाला रियल है भाई। और ये एरिया देख सकते हो भाई बिल्कुल ही अच्छे से इसको डेकोरेट करके रखे हुए हैं अभी भी, यानी ये अभी स्टॉप नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारा सीरियल का बहुत सारा मूवी का शूट होता है। ये देख सकते हो भाई कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, ऊपर का तो बहुत कम ही सीन लिया जाता है, इसलिए ऊपर में इतना अच्छे से डेकोरेट नहीं करते, ज़्यादातर नीचे का ही सीन लिया जाता है। काशी भाई बल्लार का सीरियल यहाँ पे हुआ है, अम्बेडकर का महानायक यहाँ पे हुआ है, इधर बहुत सारी फिल्म यहाँ पे होता है। अच्छा वो जो अभी बताया था आपने कौन सा था, प्रेम रतन धन चंद्रमुखी टू का वो साइड में हुआ है। अच्छा चंद्रमुखी टू का वो साइड में हुआ है, ये वाला। हाँ हाँ कोई टू, और यहाँ पे जो अपना काशी भाई बल्लार का हुआ है
काशी भाई बलदार का ये लोकेशन, ये नहाने धोने के लिए रखा जाता है ना, इधर पानी रहता है, ये सब शूटिंग के लिए जब बनता है ना तो पानी पूरा भर के वो यूज किया जाता है। सो भाई देख लो, अगर किसी रानी को या राजा को वैसा अगर नहाना होना रहता है घर के भीतर में, देख सकते हो। सो यहाँ पानी रहता है, ऐसा नहा के उठते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, पता नहीं क्या कैसा कैसा सीन। भाई इस तरह का मूवी मैंने देखा ही नहीं अब तक, अगर देखा रहता ना तो मुझे एक्चुअल में ऐसा पता रहता। ठीक है, सो अंकल जी अभी बता रहे हैं यहाँ बहुत सारी मूवीज का शूट हुआ है, कैसा कैसा का शूट हुआ है वो सारा चीज़ मैं बता दूंगा। अगर आपने वो मूवी देखा रहेगा तो फिर आपको पूरा का पूरा जो सीन है ना वो सामने में दिख रहा होगा कि भाई हाँ कैसा कैसा मूवी का शूट हुआ है। सो दोस्तों चलो अभी इस वाले एरिया से निकलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं चंद्रमुखी का सेट। अंकल जी अभी बताने वाले हैं कि चंद्रमुखी का जो मूवी का शूट हुआ था वो इधर ही हुआ था। सो वो लोकेशन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो जो गाना हुआ था कि भाई ओ मेरे ढोलना हुए वाला ना वो जो पता नहीं किधर हुआ था, अभी देखते हैं। ये चंद्रमुखी 2 का यहाँ पे हुआ है, साउथ वाला फिल्म जो चंद्रमुखी 2 का यहाँ पे, रुको ना, चंद्रमुखी 2 का यहाँ पे हुआ है जो मूवी, ये साउथ इंडियन वाला, साउथ इंडियन वाला, हिंदी वाला नहीं, साउथ इंडियन। अच्छा, ये साउथ इंडियन वाला जो चंद्रमुखी है ना उसका यहाँ पर शूट हुआ है, यहाँ पे जो प्रेम रतन धनुपाल का इधर हुआ है, काफी फेमस मूवी थी, प्रेम रतन धनुपाल का, गॉडफादर का। भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है, ये सब पत्ता सब तो सब लोकल है, ओरिजिनल नहीं है ना, सब लोकल नहीं, डुप्लीकेट सब है, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट है, मतलब ऐसा किल ठोक ठोक के लगाएगा इसमें किल। अब देख सकते हो ये सारा चीज ना बना बनाया है, ओरिजिनल नहीं है सब, ये सब देखो सब आर्टिफिशियल है, लकड़ी वगैरह सब देख सकते हो, बिल्कुल सब बनावटी है। और इतना प्यारा लगता है भाई साहब, क्या बताओ यार, मतलब सच में यार मैं बताऊँ ना कि इतना ज्यादा तो खर्चा होता है ना मूवी में, अब उस हिसाब से हर मूवी को ना भाई वैसा कमाना भी चाहिए, फिर अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है तो भाई कंपनी को ऐसे घाटा होता है। ये गॉडफादर का इधर हुआ है, काशी भाई गॉडफादर, राव रंबा, राव रंबा का जो मराठी है ना, मराठी सीरियल, ये उधर हुआ है इधर, और गॉडफादर सलमान खान का और चिरंजीवी का। हाँ तो ये भाई, तो अंकल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया दिखाया गया था ये किस तौर पर, ये एरिया दिखाया गया था, मतलब ये जो मतलब ये व्हाइट हाउस बनाया है, व्हाइट हाउस, उसके लिए जो बनाया, अलग अलग स्पॉट बना था। अच्छा, सो दोस्तों अभी हम लोग जो है ना प्रेम रतन धनपायो के सेट से बाहर आ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा पानी वानी पीने के लिए। यहाँ पर हर जगह पानी वानी का सुविधा नहीं है, कहीं कहीं पर है, मतलब एक ऐसा लोकेशन बना के रखे हुए जहाँ पानी मिलेगा, आप वहीं जाके पी सकते हो। अदरवाइज ये एरिया अगर आप घूमेंगे ना भाई साहब, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जितना सारा सेट है, जितना सारा मूवी जो शूटिंग लोकेशन है ना, आप देख देख के थक जाओगे भाई, लोकेशन खत्म नहीं होगा, बहुत सारा लोकेशन है भाई साहब। और यहाँ पर देख सकते हो एक सिलाई वाला बैठा हुआ है, सामने में पानी रखा हुआ है, अभी हम लोग वहाँ पानी पीने जा रहे हैं। और ये जो सिलाई वाला है ना, सिलाई वाला बस यही सब काम करते हैं भाई, कोई चीज़ का पर्दा लगाना हो, क्या करना हो, और ये सब ऐसा जो ऐसा बैंजो वगैरह बजाते हैं ना ऐसा मुँह में लगा के, ये वो वाला है भाई साहब, बहुत ज़्यादा स्पेशल लोकेशन है। और यहाँ पर पूरा खुला एरिया है, जो भी यहाँ बैठते हैं भाई मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर देखो बहुत सारा जो सेट का सामान है ना वो बनाया जाता है, कि भाई किस चीज़ का ज़रूरत है, यानी जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह है वो यहाँ से किया जाता है और फिर उसका सेट बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो शूटिंग का जो सारा चीज़ है, अभी ओढ़ाया जा रहा है, यानी सैनिक वगैरह बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो सैनिक का, ये देखो इसमें कोई ऐसा लोगो नहीं है कि भाई कौन चीज़ का, बट इसमें ये सैनिक को पहना जा रहा है, सारा चीज़ देख सकते हो। और ये भाला है, ये देखो सब भाला है, और सब ये भाई ये तो लोहा का ही लग रहा है, ये सब भाला है, और ये उसके ऊपर बांस लगा हुआ है, और ये देखो ये ढाल है इसको रोकने के लिए, भाला को रोकने के लिए, और इतना सारा ढाल बना हुआ है, और ये सब भाला है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर एक शूटिंग चालू होने वाला है, सो वो शूटिंग कैसा है, अशोका का शूटिंग हो रहा है, अशोका सीरियल अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा, कलर्स पे आता है, अशोका का भी शूटिंग हो रहा है। अभी हम लोग खाना भी खा रहे हैं यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं सब, देख सकते हो खाना बांटा जा रहा है, अभी हम लोग खाना खाने वाले, खाने में क्या है वो चीज़ दिखाते हैं। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम लोग आए थे यहाँ पर अशोका सेट में, अशोका का शूटिंग देखने के लिए। सो अभी हम लोगों को यहाँ खाना भी खिला रहे, देख सकते हो जितने सारे लोग आ रहे हैं ना, ये लोग तो पर्सनली खा ही रहे, अगर कोई घूमने वाले भी आते हैं तो उसको भी खाना खिलाते हैं। हम लोग हालांकि खड़े थे तो बोला भाई खाना खाया क्या, मैं बोला नहीं सर हम लोग घूमने वाले हैं, बोले खाना नहीं खाया खा लो ना भाई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हो भाई खाना भी हम लोग खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब पूरा पैसा वसूल कह सकते हैं, जो टिकट लगाना 500 का भाई पूरा वसूल हो गया। मैं खाने में क्या है वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो खाने में सबसे पहला आलू, और ये भिंडी का सब्ज़ी है, पापड़ है, रोटी है, चावल है, चिकन है, दाल है, और ये सलाद है भाई साहब, एवरीथिंग जो स्पेशल है खाना होता है ना, स्पेशल खाना में कसम से भाई ऐसा खाना तो मैं अपने रूम में खाता नहीं हूँ, अपने वहाँ तो खाता ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा खाना खाता हूँ, यहाँ मैं स्पेशल इतना खा रहा हूँ भाई मैं सोच नहीं सकता हूँ। सो यार बहुत ज़्यादा थैंक यू पूरे टीम को कि भाई अशोका वाले ने इस तरह का ऐसा कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं। और भाई मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप जो है ना अशोका सीरीज को, अशोका जो सीरियल है ना उसको ज़रूर जाके देखो, क्या कलर्स पे देखना पड़ेगा। सो अभी अभी ये नया है, हाँ कल ही इसका टीज़र लॉन्च हुआ है, सो ज़रूर देखना, पहले खा लेता हूँ भाई, भूख भी बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि 2:30 बज चुका है, तो 2:30 बजे पहले खा लेते हैं फिर देखते हैं बाद में क्या होता है।
खाना भी इतना टेस्टी है ना यार, मैं ऐसा खाना हम लोग खाते नहीं, इतना टेस्टी खाना, ऐसा खाना बनता नहीं भाई, बहुत ज़्यादा टेस्ट है खाने में। अब देखो भाई साहब भी फुल मजे ले रहे कैसा लग रहा है तस्लीम भाई? मजा, बहुत मजा। हाँ पापड़ पूरा भर के लिए हुआ। देखो पूरी टीम अभी तैयार हो रही है शूटिंग के लिए। सो दोस्तों अभी देखो हम लोगों ने जो है ना खाना खा लिया है, अभी पायसम खा रहे हैं, इसको पायसम बोलते हैं खीर। ये देखो ये खीर है, अभी ये भी खा लेते हैं यार, भाई गर्मा गर्म है पूरा। ले ले ना खा लो पहले, सबर रखो यार, कितना खाओगे फ्री में? देखो भाई साहब पूरा का पूरा पैसा वसूल है, खाना तो जितना खा लो खा लो, उसके बाद आप जो खीर खाओगे ना, खाओगे पियोगे जो भी, क्योंकि खीर जो है ना पीने टाइप से ही है, ग्लास में होता है तो पीने वाला ही है। सो यार इतना मस्त है ना भाई, पूरा पैसा वसूल हो जाने वाला है। सो मैं कहता हूँ आपको कि अगर मेरा वीडियो देखकर आप कभी भी आते हो ना, तो भाई इस टाइम पे आना, यानी लंच के टाइम पे। अब देखो ये सारे लोग जा रहे हैं अभी शूटिंग के लिए, अब भाला वाला उठा लिए हैं, अभी अंदर जा रहे हैं शूटिंग के लिए। अंदर जो है ना कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर हम लोग ऐसा आपको दिखा नहीं सकते, फिर भी कोशिश करते हैं अगर दिखा पाए तो दिखा देंगे। सो भाई अभी आप देख सकते हो मैं अशोका जो सीरियल है ना उनके मंत्री से मिल चुका हूँ, प्रचंड अशोका। तो आपका किरदार उसमें क्या है? मंत्री का है। अच्छा, के रोल में बताया गया है उसमें। अच्छा, सो अभी जो है ना ये जा रहे हैं शूटिंग के लिए जा रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला। आपका गेटअप यही है पूरा? यही है गेटअप भाई साहब, हमारा मंत्री का ये फाइनल गेटअप है जिसमें हमें आप पूरा देख सकते हैं। ये देखिए अभी पूरा कितना प्यारा लग रहे हैं भाई साहब, ये मंत्री जी। संकेत काप से हम कैरेक्टर आर्टिस्ट भी करते हैं, मुंबई में भी शूट होता है, वहाँ पर भी जाते हैं और यहाँ पर भी प्रचंड अशोका में भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करके। शुरू शुरू में मैं तो आपको देखा ना तो ऐसा लगा कि यार मतलब डर सा लग रहा है भाई, क्या अवतार है वो तो उनके ऊपर, ये कॉस्ट्यूम भी वैसा देते हैं तो पूरा नेचुरल लगता है, पूरा ए टू जेड गेटअप कर दिया ना तब फाइनल मिलता है, अब आधा अधूरे में सही नहीं लगता है। हाँ। अभी वहाँ पर कॉस्ट्यूम बेस पे अलग अलग, जैसे सैनिक भी है, दास है, दासी है, सबके कॉस्ट्यूम पे, सबके अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। अब जो शूट शायद आधे पौन घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो अभी ये जो प्रचंड अशोका है, अब इसका एक भी एपिसोड नहीं आया? नहीं नहीं, आ गया है, अभी एपिसोड आ गया, जैसे स्टार्ट हो गया, टेलीकास्ट हो गया कलर्स टीवी। अच्छा, कलर्स टीवी पे हो गया। सो थोड़ा सा बोल दीजिए ऑडियंस सब देखने लगेंगे आपको भाई स्पेशली। हाँ तो देखिए हमें प्रचंड अशोका में जरूर देखिए, कलर्स टीवी पे आ रहा है अभी, ये मंडे से टेलीकास्ट हो गया, तो आप सब लोग जरूर जरूर देखिए और इनके व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो पे लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सीरियल में दिखाया जाता है ना अशोका विलेज को, ये वही वाला है, और अंदर देख सकते हो अंदर एक गली टाइप से बना हुआ है मेन गेट के अंदर, और अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दुकान वगैरह है, और अंदर तक अभी मैं आपको लिए चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ भाई अंदर स्पेशल क्या है। हालांकि ये अभी मेन वाला एरिया है, देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से बना के रखा हुआ है, हालांकि ये सब पलाई है लेकिन ये लोहा जैसा ऐसा इसमें कलर मार के रखे हुए हैं, ये सारा चीज़ देख सकते हो आप, कुछ ऐसा दिखता है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं भाई क्या क्या है, तलवार वगैरह है, ये देखो सब चीज़ ऐसा रखे हुए हैं, धनुष है, तरवाल, तलवार है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो, ये सारा सामान, ये देख सकते हो कुछ इस तरह का तलवार का यूज़ किया जाता है मूवी में, जो कि ऐसा प्लाई का है, ये देख सकते हो ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, ये प्लाई का बना हुआ है, ये देख सकते हो सब चीज़ जो है ना ऐसा प्लाई का है, सब ये सब चीज़ का जो इस्तेमाल होता है ना फाइट में, ये सारा चीज़ प्लाई का है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, और ये मशाल होता है, इसके अंदर मशाल डाल के इसको चलाया जाता है। जो काम करने वाले रहते साइड, नहीं नहीं डमी, जो जो जिसको पता नहीं रहता कि उसको चलाना नहीं आता है, पता चले चलाने के चक्कर में खुद कर जाए। हाँ, ये देखो ये सारा चीज़ है, ये हेलमेट है, हेलमेट भी बिल्कुल हल्का सा है भाई, और जितना हैवी दिखाया जाता है देख सकते हो सारा सामान, और ये ढाल है, ये हेलमेट है, कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, ये गद्दा वाला हेलमेट है भाई, गद्दा लगा हुआ है, और ये सारा चीज़ भाई सब चीज़ लकड़ी है, सब आर्टिफिशियल है, सब इसको ऐसा बना के रखे हुए, सब चीज़ देख सकते हो। सो जब ये सब चीज़ का ज़रूरत रहता है ना शूटिंग करने का, कि चलो फलाना मूवी का शूट रहेगा, जब शूट रहता है ना तब ये सब चीज़ को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ले जाया जाता है, देख सकते हो यहाँ इतना सारा तलवार है, और बाकी इसको जो है ना एडिटिंग के माध्यम से इसको ओरिजिनल बना दिया जाता है, एडिटिंग में ये सारा चीज़ ओरिजिनल दिखने लगता है। अच्छा अभी इधर शूटिंग नहीं हुआ है क्या बहुत दिन से ऐसा पूरा? ओके गया तो इतना फिर गंदगी इतना रहता है इसमें? वही करता है, साफ जो करते हैं अभी, क्या कौन ध्यान नहीं रखता ना अभी। अच्छा, और ये है ओरिजिनल विलेज, जो ओरिजिनल गांव है वो ये वाला, आप देख सकते हो कुछ ऐसा घर यहाँ बना के रखा हुआ है, वो देखो भैंसा गाड़ी हम लोग इसको कहते हैं, भैंस गाड़ी, बैलगाड़ी, ये देखो ये वो वाला है, और यहाँ पर बैलगाड़ी का पूरा व्हील रखा हुआ है, जो कि ये भी आर्टिफिशियल है यार, ये भी ऐसा प्लाई का बना हुआ है, इतना हल्का है, और वो जो होता है इतना भारी होता है कि भाई उसको हिला नहीं सकते हो। सो देख लो ऐसा गाँव है,
वहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, सब चीज़ भाई कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब चीज़ ऐसा प्लाई का बना के रखे हुए हैं। और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का गांव, अगर कभी शूट करना रहता है तो गांव को इस तरह से दिखाया जाता है। देखो बिल्कुल गांव वाला फील आ रहा है यार, मतलब अपने एरिया वाला फील तो आ रहा है भाई, बिल्कुल ही वही फील आ रहा है। देख सकते हो ऐसा झोपड़ी वगैरह बना हुआ है, ये देख सकते हो खटिया रखा हुआ है, ये खटिया है रे भाई लेकिन पूरा ख़त्म हो गया खटिया को जो बना के रखा हुआ है ना। हाँ लेकिन खटिया ओरिजिनल है भाई ये खटिया ओरिजिनल है। बाकी ये घर देख सकते हो, ये घर को कैसे बना के रखा हुआ है, ये भी पलाई है इसमें, लेकिन इसके आगे इसके ऊपर जो है मिट्टी का ऐसा पोताई करके रखा हुआ है। कुछ ऐसा दिखता है अंदर से ये गांव का घर, ऊपर में टीन लगा हुआ है और इधर ऐसा है, ये देख सकते हो आप। सो दोस्तों अभी फाइनली मैं अभी उस लोकेशन में हूँ, हालांकि ये सारा मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यानी ये है अशोका विलेज, अशोका गांव, जो कि सीरियल में जो अशोका गांव दिखाया जाता है ना, ये वो पूरा एरिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल गांव के तरह पूरा जो है ना, हर सारा चीज़ बना के रखे हुए, बिल्कुल गाँव वाला फील। सो गाँव जो दिखाता है ना वो यही वाला गाँव है जिसको ऐसा दिखाया जाता है मूवी में सीरियल में। ये सारा घर दिखाया जाता है और ये एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर आप देख सकते हो बैलगाड़ी रखा हुआ है, खटिया रखा हुआ है, ये सारा टोपा टोकरी पोलो जो भी हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में ना, ये सारा चीज़ रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है, ये सारा चीज़ आप देख करके जान सकते हो कि भाई हाँ ये सच में गांव वाला सीन यहाँ पर लिया जाता है। और कहीं भी नहीं जाया जाता कि यार कहीं और एरिया में जाके गांव वाला सीन लेंगे, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल रियल वाला सीन ये लोग दिखाते हैं, मतलब गाँव का यहाँ का, ठीक है। ये देख सकते हो सारा मटका उठ के रखा हुआ है। सो अभी ये सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं KBC के सेट पर, यानी जो अमिताभ बच्चन का जो कौन बनेगा करोड़पति जहाँ चलता था, वो यहीं पर पहले पहले स्टार्टिंग से शूट हुआ था, तो वो जो लोकेशन है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों फाइनली अभी मैं आपको लेके चलता हूँ KBC के सेट में, और यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग में आते आते ये सारा पोस्टर दिखने लगता है, और यहाँ पर जितने सारे जो एक्टर एक्ट्रेस है ना उन सब का ऑटोग्राफ है भाई, ज़्यादातर तो हिंदी में देखे रखे हैं यार, हिंदी मराठी इंग्लिश, हाँ हिंदी मराठी में, मतलब इंग्लिश तो बहुत कम ही है, इससे क्या समझा जाए, पढ़े लिखे नहीं है क्या एक्टर देखो भाई सबका ऑटोग्राफ है, पहले जमाने का ये पहले जमाने का कैमरा है। यहाँ पर भाई लाइट नहीं है, लाइट खराब हो गया इसका, अब ये देखो पहले जमाने का कैमरा ऐसा हुआ करता था, ये देखो लेंस बहुत ज्यादा कचरा हो गया अभी इसमें, और ये पहले का मूवी देखने वाला, ये अच्छा ये तो बायोस्कोप है यार जिसको हम लोग बायोस्कोप बोलते थे, बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, याद आया क्या दोस्तों, ये देखो यार ये आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, मैं श्योरली कह सकता हूँ भाई, हम लोग देखे हैं गांव की तरफ आता था, फिर ये ढक्कन खोल के हम लोग देखते थे मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, ये देखो दिख रहा है मुंबई नगरिया, अभी तो मुंबई नगर में नगरिया में मैं ही मैं दिख रहा हूँ यार, और कोई कोई दिख ही नहीं रहा है भाई साहब, अभी देख लो मुंबई नगरिया मैंने आपको दिखा दिया। कैसेट है, कैसेट नहीं है यार, कैसेट ही है ये बोल रहा है, कैसेट है भाई, अलग लेवल है पूरा यार, पहली बार देख रहा हूँ इसको, हाँ ये रील रील रील, अभी तो इसका कोई बेकार है, यूज ही नहीं होता, देखने के लिए रखा गया, हाँ यादगार के लिए रखा हुआ, ये रील है जो पुराना, ये कौन सा फिल्म का है, पोस्टर दिख रहा होगा भीतर, इतना तो याद है कि इसमें ना पोस्टर दिख जाता था भाई कौन सा है, हाँ भाई गजब याद आ गया यार, ये सारा पुराना चीज ये देख सकते हो, इतना सारा रील इधर फेंका हुआ है, और ये राज कपूर, ट्रिब्यूट टू राज कपूर, ये देखो बहुत भाई पुराने एक्टर है, मतलब यही है ये लोग बॉलीवुड का स्थापना करने वाले लोग है भाई साहब, ये क्या बेंजो है क्या, और ये सारा चीज देख सकते हो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अच्छा ये एनडी फिल्म वर्ल्ड जो है ना, ये जो अभी फिल्म सिटी आप देख रहे हो इसका जो है ना अवार्ड है, ये सारा चीज, ये अम्बेडकर साहब है, ये छत्रपति शिवाजी, और ये देखो इतना सारा अवार्ड है, अच्छा ये हाँ, जो एरिया ड्राइंग, हाँ इसी में शूटिंग हुआ तो उसको हाथ से बना के बना गया, अच्छा जो ये क्या नाम है शूट जो इस पे हुआ तो हाथ से बना के शूट हुआ था, हाँ, हाँ, नहीं नहीं मतलब ये एरिया बनाया गया, अच्छा ये प्रेम रतन धन पायो, ये अशोका, ये सारा चीज तो दिखाई दिया मैंने अभी आपको, ये जैसे लगान है ना, लगान ये सब शूट हुआ है, हाँ ये लगान का पूरा एरिया है, जितना सारा लोकेशन है ना ये लगान का है, लगान मूवी यहीं पर शूट हुआ था, और ये देवदास का है, यहाँ पे हुआ था ना, कुछ इधर हुआ है, कुछ फिल्म शूटिंग मुंबई हुआ, मुंबई में हुआ, गोरेगांव हैदराबाद हुआ, हाँ। भाई वो देखो देवदास, शाहरुख खान, ये भी देवदास का, ये भी देवदास का ही पूरा है भाई, सब हाथ से ड्राइंग बना के रखे हुए, सब कलाकार लोग सब है भाई साहब, इतना सारा अवार्ड है, ये ड्राइंग का इतना प्राइस है, 80-90 हजार करोड़ों में जाता है,
अरे भाई साहब, इसपे साइन कर देगा सलमान खान, तो ये अच्छा। करोड़ में बिकेगा। हाँ, सिर्फ साइन करने का देरी है, कोई साइन कर दिया तो भाई 1 करोड़ में बिकेगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं केबीसी के सेट पर। ये देखो पूरा अंधेरा कायम है इधर। सर इधर अमिताभ बच्चन आता था क्या? हाँ आता था ना, इधर सीजन शूट हुआ ना, लाइट रहता तब ना यार। पहला दूसरा सीजन दोस्तों ये देख सकते हो, इधर ही शूट हुआ है। अमिताभ बच्चन इधर तो लाइट का बहुत ज्यादा कमी है यार, यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल भी। और ये स्टेज देख के ना, ये तो बिल्कुल ही भाई फील तो आ रहा है, वही वाला फील जो याद तो आ रहा है कि भाई सच में ये वही है। सो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत लाइट हम लोगों ने जलवाने का कोशिश किया है, लाइट जो है ना जल नहीं रहा था, बहुत सारा लाइट खराब हो चुका है। ये देख सकते हो इतना सारा बल्ब तो लगा हुआ है, बट ये सारा जो है ना अभी खराब हो चुका है। ये देखो भाई चमकाने के लिए क्या लगा के रखते हो, सिल्वर पेपर से भाई यार। भाई साहब कितना मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए कि भाई बहुत अच्छा दिखे, रोशनी खिले, ऐसा सिल्वर पेपर लगा के रखे हुए आप देख सकते हो। और ये फाइनली अभी सीट हॉट सीट पे बैठ चुके हैं, तो एक बंदा सवाल तो पूछो कोई यार, कंप्यूटर तो है ही नहीं, किस पे पूछेगा। इस पे ऐसा टेप लगाता होगा ना तभी। इसके लिए बनाया, ये भी तो प्लाई का है, ये तो लोकल है यार। इस पे सही में बिठाता था कि नहीं बिठाता था? भाई साहब ये देखो हॉट सीट, अमिताभ बच्चन किस में जरूरत है, तो फिर ऐसा रनिंग कर रहा है, फिक्स कहाँ है? वो वाला है भाई साहब। ये देखो ये यहाँ पर ऑडियंस वगैरह बैठा करता था, सब ऑडियंस यहाँ पर जो है ना। सीजन 1 और सीजन 2, दो सीजन शूट हुआ है ना, दो सीजन। सो यहाँ पर केबीसी का जो है ना दो सीजन शूट हुआ है अमिताभ बच्चन के द्वारा। तभी मुझे याद आ रहा है कि ये वाला जो जो एरिया लोकेशन है ना, ये मैं देखा हूँ। मतलब जो स्टार्टिंग का जो चलता था अमिताभ बच्चन का, केबीसी देखा करता था तभी। अभी तो फिलहाल वो गोरेगांव में कर रहे हैं, और ये सारा चीज़ भी, इसमें भी लाइट वगैरह लगा हुआ है देख सकते हो, इसमें भी लाइट है। बट ये जो है ना अभी क्या है कि कोई भी लाइट जल नहीं रहा, पूरा ख़राब हो गया है, बस यही सारा चीज़ है। अभी तो पूरा भाई खाली खाली सा हो गया, पूरा सब निकल गया, टूट फूट के ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा, तो भाई यार कितना मेंटेनेंस रहेगा। सो भाई अभी देख लो हम लोग केबीसी के सेट से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट वाइट नहीं था ना भाई, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पता नहीं चला कि भाई कौन सा सेट है, क्या है, नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। भाई लाइट ही नहीं है तो क्या पता चलेगा यार। तो इस हिसाब से मैं देखूँ ना कि ये लोग जिस हिसाब से पैसा लिए हैं आज देखने का, तो वो चीज़ ना अच्छे से नहीं। एक तो पहली बात कोई गाइड नहीं है, कोई दिखा नहीं रहे, और दूसरा ये है कि भाई सामान भी ख़राब है, मतलब लाइट वाइट है ही नहीं, हम लोग देखेंगे क्या, घंटा कुछ देख ही नहीं पा रहे। सो यार चलो अभी ना मैं चलता हूँ, ये सेट मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं चलता हूँ यहाँ से निकलता हूँ। लास्ट लास्ट में ना मैं आपको एक एरिया पूरा बता देता हूँ, उसके बाद मैं ना आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आपको यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों फाइनली ये सारा जो लोकेशन है ना मैंने आपको दिखा दिया, एक एक के बारे में बताने का कोशिश किया। अगर कोई मेरे से गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, क्योंकि भाई हो सकता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं कि भाई कौन सा लोकेशन में कौन सा मूवी शूट हुआ था, ऐसा कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन आपको हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा पता हो, आपको बेहतर पता हो। सो आप जो है ना कमेंट में थोड़ा सा करेक्शन कर देना, बता देना कि भाई इतना इतना मिनट में जो आपने बोला है वो उस जगह पे वैसा शूट नहीं हुआ था, दूसरा मूवी का शूट हुआ था, जिसका भी हुआ था आप उसका नाम दे सकते हो, आप ये चीज़ करेक्शन कर सकते हो, यानी मुझे बता सकते हो। सो कुछ ऐसा एरिया है, अभी देख सकते हो भाई कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही मस्त लोकेशन है, और सब लेकिन आर्टिफिशियल है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ये सारा का सारा बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल ही रियल लगता है, आप इसको जाली समझ ही नहीं सकते हो देखने के बाद। सारा चीज़ ये लोग का शूट यहीं होता है, यानी अगर गांव समाज दिखाना हुआ, मोहल्ला दिखाना हुआ, जेल दिखाना हुआ। अभी हम लोग जो है ना यहाँ से निकल रहे हैं, मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं, यानी सामने में एक गेट और है, अभी जो है ना पूरा बाहर नहीं हो रहे हम लोग, जा रहे हैं उधर, एक गेट मेन गेट और है। लेकिन यहाँ का जो है ना सारा चीज़ परफेक्ट था, ए टू जेड परफेक्ट था, बस एक चीज़ हम लोगों को कमी लगा, वो केबीसी का सेट। अदरवाइज़ मैंने आपको पूरा सेट दिखा दिया अच्छे से। और हाँ यहाँ पर जो है ना उसका शूटिंग चल रहा था, अशोका का, अब प्रचंड अशोका का शूटिंग चल रहा था, जो कि यार वहाँ शूट अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। वो लोग कह रहे थे अगर ये पुराना हो जाता ना तो आप ले सकते थे। अभी क्या है ना कि मतलब अभी हाल फिलहाल ही शुरू हुआ है, फिर अगर उसका कुछ लीकेज हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है भाई, इतना सारा खर्चा करते, इतना मेहनत करते हैं, तो लीकेज होने के लिए थोड़ी। उनका कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया। बाकी आप सब जो है ना प्रचंड अशोका देख सकते हो, आपको वो पूरा हवेली दिख जाएगा, ऑलरेडी मैंने वो हवेली दिखा दिया आपको, वो चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। सो यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा करजत स्टेशन, आप करजत में आ सकते हैं, वहाँ से आपको शेयरिंग रिक्शा जो रिक्शा मिल जाएगा, आप करजत स्टेशन से शेयरिंग रिक्शा लेकर के आप आ सकते हैं यहाँ पर। चौक करके आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे चौक जाना है, या फिर आप बोलोगे कि मुझे फिल्म सिटी जाना है, जो कि एनडी फिल्म स्टूडियो है। सो वहाँ अगर आप बोलोगे तो वो आपको लेके चला आएगा। यहाँ का जो चार्ज है ना वो 30 रुपये है, ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। फिर अगर आप यहाँ आते हो, अंदर आते हो, तो अंदर आने के लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा एडल्ट्स के लिए, जो बड़े लोग हैं 500, और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए 300।
आप 300 रुपये दे के 500 रुपये दे के आराम से अंदर जा सकते हो, पूरा दिन चाहे पूरा दिन रह सकते हो। मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना देर तक वहाँ रह सकते हो, आप कभी कितना भी देर रह सकते हो, जितना देर आपको घूमने का मन करे घूम सकते हो, कोई भी सेट दिखा सकते हो, कोई भी सेट देख सकते हो। सो गाइस फाइनली अभी आप देख सकते हो कि मैं आ गया हूँ रिटर्न वहीं पर जहाँ से मैं अपना सफ़र शुरू किया था, यानी दादर से। अभी मैं दादर में रिटर्न आ चुका हूँ और यहाँ आते आते मेरा जो है ना पूरा दिन ख़त्म हो गया। आप देख सकते हो अभी 7:30 हो चुका है। सो मैं निकला था 10 बजे के टाइम, अभी 7:30 हो गया। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी एनडी स्टूडियो का अगर प्लान करते हो तो उसके लिए जो है ना दिन भर का आपको टारगेट रखना पड़ेगा। दिन भर तक आपका जा सकता है, पूरा दिन जा सकता है। अगर आप सवेरे ही जाते हो तो फिर कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता, 10 बजे तो खुलता ही है, 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे 6 बजे तक ये चलता है। सो इतना टाइम में अगर जाते हो ना आप तो आपका दिन तो ख़त्म होने ही वाला है। सो कभी भी जाना ना भाई साहब तो पूरा प्लानिंग के साथ जाना, पूरा दिन के लिए जाना, ताकि पता चले यार आप गए फिर जाते ही आपको रिटर्न आना पड़े और आप कुछ देख ना पाओ तो भाई कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो यार चलो मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की वीडियोज़ के लिए। सो अभी मैं चलता हूँ अपने रूम में, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, पूरा दिन रनिंग कर करके थक गए पूरा। सो अब भाई आप जाके आराम करना है, वीडियोज़ वगैरह एडिट करना है, अब ज़्यादा काम नहीं बचा है, जो मेन काम था ना वो हो गया है। सो चलो यार मिलते हैं किसी एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।